कन्हैया देश यात्रा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग अवसर दे रहे हैं सेवा का। वास्तव में ये भागवत का श्रवण, भागवत का पठन हमारे जीवन की सार्थकता बनाती है। हमारे जीवन में और क्या सार्थक बात हो सकती है कि हम लोग भागवत का पठन, भागवत का श्रवण साथ में कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जैसे राजा जिनको 7 दिन की मुहूर्त मिली, ने विशेष कस केवल भागवतम पठन किया, कितने विशेष महान अवसर हमको मिल रहे हैं। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आप लोग मुझे ये सेवा का अवसर दे रहे हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द वैष्णवास फ्रॉम कन्हैया देश, दैट दे आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व देम, टू सर्व श्रीमद् भागवतम। एक्चुअली परफेक्शन ऑफ वंस लाइफ इज दैट ही इज गेटिंग चांस टू रीड एंड हियर भागवतम। लाइक परीक्षित महाराज एग्जाम्पलीफाइड फ्रॉम हिज ओन लाइफ, द एंड डेज ऑफ हिज लाइफ 7 days ही डेडिकेटेड जस्ट हियरिंग श्रीमद् भागवतम। एट द सेम टाइम व्हेन वी डिस्कस भागवतम, द पावर ऑफ स्पीकिंग कम्स टू द डिग्री वी रिपीट द प्रीवियस आचार्यस। हम जब भागवतम पे चर्चा करते हैं तो हमें बल मिलता है पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों को दोहराने में, नहीं तो ये भागवत का ज्ञान केवल शास्त्र ज्ञान बन के रह जाएगा, ये साक्षात्कार नहीं बनेगा। अदरवाइज दिस नॉलेज विल ओनली रिमेन नॉलेज, विल नॉट टर्न इनटू रियलाइजेशन। लाइक वी यूज टू हियर वन स्टोरी इन अवर चाइल्डहुड अबाउट 4 ब्राह्मण्स। हम लोग अपने बाल्यकाल में एक कथा सुनते थे 4 ब्राह्मणों की। वो चारों ब्राह्मणों ने एक गुरु के आश्रम में 12 साल शास्त्र अध्ययन किए। दोस 4 ब्राह्मणस स्टडीड इन द आश्रम ऑफ ए गुरु फॉर 12 ईयर्स। बट वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, दे ग्रेजुएटेड एंड दे स्टार्टेड टू ट्रेवल टूगेदर। जब उनकी शिक्षा समाप्त हुई तो वो लोगों ने साथ में विचरण करना शुरू किया। तो सबसे पहले वो जाते हैं और देखते हैं कि एक सड़क के पास 2 रास्ते जा रहे हैं। तो अभी किस समय किस साइड जाना है उनको पता नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल दे एनकाउंटर ए सिचुएशन वेयर देयर आर 2 वेज पार्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड वेयर दे हैव टू गो दे कांट डिसाइड। सो वन ऑफ देम ओपन द बुक एंड इन द मीन टाइम देयर वॉज ए फ्यूनरल प्रोसेशन कमिंग डाउन। तो उनमें से एक, चारों ब्राह्मण में से एक किताब खोलते हैं और उसी समय पर एक अंतिम शव यात्रा वहां से जा रही होती। वो अंतिम शव यात्रा के सामने कुछ ब्राह्मण लोग चल रहे होते हैं जो मंत्र पाठ कर रहे होते हैं। तो वो किताब में देख करके बोलता है कि अरे शास्त्र बोल रहे हैं महाजनों ये गथा सपन, महाजनों की पालन करना चाहिए, तो ये ब्राह्मणों के पीछे पीछे हमें जाना चाहिए। सो दैट फ्यूनरल प्रोसेशन In the beginning of the procession, there were some brahmanas who were walking, chanting mantras. And one of the brahmana out of those 4 read in the book that we should follow the great souls. So brahmanas are walking, let us follow them. And following that procession, they go to crematorium. और उन लोगों के पीछे पीछे वो लोग शमशान घाट पहुंच जाते हैं। So when they reached there, there was a donkey standing there. वहां पर एक गधा खड़ा हुआ था। तो दूसरा ब्राह्मण किताब में पढ़ता है, उसमें लिखा था कि शास्त्र बताते हैं जो कोई आपके साथ बीमारी में, दुखी में, सूखे में, युद्ध में और शमशान में खड़ा हो वही आपका मित्र है। सो द अदर वन रेड इन स्क्रिप्चर दैट हूएवर स्टैंड्स बाय योर साइड इन सिकनेस, कैलामिटी, फेमिन इन वॉर और क्रिमेटोरियम ग्राउंड्स इज योर ट्रू फ्रेंड। सो दे ऑल एग्री दैट यस, दिस डंकी इज अवर रियल फ्रेंड। तो सब लोगों ने निश्चय किया कि ये गधा ही हमारा दोस्त है और वो गधे को नहलाने लगे, बड़ा प्रेम करने लगे। दे स्टार्टेड टू वॉश द डोंकी एंड एम्ब्रेस द डोंकी। इन द मीन टाइम वन कैमल केम, उसी समय एक ऊंट चल के आ रहा था बड़ी तेजी से। द कैमल वाज कमिंग वेरी क्विकली। थर्ड ब्राह्मण रेड फ्रॉम हिज बुक, राइचियसनेस मार्चेस रैपिडली, धर्म बड़ी तेज गति से चलता है। तो उन्होंने बोला शायद यही धर्म है, ये ऊंट ही धर्म है, इसको पकड़ लो। The person said that yes, this camel is righteousness. Catch the camel. So they caught the camel. The fourth brahmana read in his book that
ए वाइस मैन शुड लीड हिज फ्रेंड टू राइचियसनेस। चौथे ब्राह्मण ने पढ़ा कि अपने मित्र को धर्म के पास ले जाना चाहिए, तो धर्म का कौन था? वो ऊंट। और उनका दोस्त कौन था? वो गधा। हु वाज देयर फ्रेंड? डंकी। एंड हु वाज देयर राइचियसनेस अकॉर्डिंग टू देम? द कैमल। सो दे स्टार्टेड टू टाई डंकी एंड कैमल टुगेदर। तो वो लोग गधे और ऊंट को साथ में बांधने लगे। ये देखकर जो गधे का मालिक था, उनने इन चारों ब्राह्मणों की बहुत पिटाई लगी। सीइंग दैट द मास्टर ऑफ द डंकी बेट ऑल दिस ब्राह्मणस एंड फ्लीड देम अवे। सो व्हाई आई वाज टेलिंग दिस स्टोरी दैट मियर नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स डजंट वर्क। मैंने ये कथा इसलिए सुनाई कि केवल शास्त्रीय ज्ञान हमारा उत्थान नहीं कर सकता। अलोंग विद दैट वी नीड द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी। हमको उसके साथ शुद्ध भक्ति कृपा चाहिए। देयर फॉर वी शुड प्रे इन द लोटस फीट ऑफ श्रील प्रभुपाद दैट जस्ट लाइक व्यास देव रोट श्रीमद भागवतम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड, फॉर द डिलीवरेंस ऑफ द होल वर्ल्ड, इन द सेम वे श्रील प्रभुपाद वेरी मर्सीफुली गेव श्रीमद भागवतम टू अस इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। सो इफ ही बिकम्स मर्सीफुल वी कैन अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ श्रीमद भागवतम। इसलिए हमको श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह श्रील व्यास देव ने पूरे दुनिया के कल्याण के लिए श्रीमद भागवतम का रचना की, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सरल रूप से हम सबको ये श्रीमद भागवत का ज्ञान प्रदान किया। तो उनकी कृपा से हम ये श्रीमद भागवतम को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। श्रील जयपताका स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, यदि प्रभुपाद न हुई तो तभी की हुई तो। प्रभुपाद यदि नहीं होते तो क्या होता? गीता भागवत चैतन्य चरित ये सारे जो ग्रंथ हैं, कितने सरल भाषा में श्री प्रभुपाद ने हमको दिए। तो ये आज श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज की व्यास पूजा भी है, तो आज के पावन अवसर पे हम उनके चरणों में भी प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, सभी आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम लोग श्रीमद भागवत का पठन उनके दिखाए हुए मार्ग के अनुसार कर सके। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 29 चैप्टर से। टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर 29th वर्स। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः घृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। Whoever carefully recites the mysterious appearances of the Lord with devotion in the morning and in the evening gets relief from all miseries of life. जो कोई भी भगवान के दिव्य अवतारों का बहुत ही सावधानी पूर्वक पठन करता है भक्ति के साथ सुबह और शाम, वो सभी जीवन की सभी दुखों से उसका निवारण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटीज। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जन्म गुह्यम भगवतो। लॉर्ड्स इनकार्नेशंस आर वेरी मिस्टीरियस, दे आर समटाइम्स इवन बिविल्डरिंग। हम भक्तों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि भगवान के जो अवतार होते हैं वो कई बार विस्मय प्रदान करते हैं, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी लीलाओं का अर्थ क्या है। समटाइम्स ही कम्स एज ह्यूमन, समटाइम्स ही कम एज एनिमल, कभी वो मानव रूप में आते हैं, कभी जानवर के रूप में आते हैं। समटाइम्स ही कम्स फ्रॉम ब्रह्माज नोज वरादेव, नथिंग गुड कम्स फ्रॉम एनीबडीज नोज, बट कृष्णा चूज टू कम फ्रॉम ब्रह्माज नोज। कभी कभी वो ब्रह्मा की नासिका से वरादेव के रूप में आते हैं। तो किसी की नाक से कोई अच्छा पदार्थ निकलता है क्या? लेकिन भगवान ऐसी स्थान भी चूज कर लेते हैं अपने भक्तों से, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। समटाइम्स ही कम्स फ्रॉम पिलर, बर्स्टिंग आउट द पिलर इन फॉर्म ऑफ नृसिंहदेव। कभी कभी वो खम्भों में से प्रकट हो जाते हैं, खम्भों को तोड़ करके नृसिंहदेव के रूप में। तो इस तरह की लीलाओं को देख करके कोई चुनौती दे सकता है कि ये लीलाएं क्या वास्तव में घटित हुई हैं या मन गणित है। समटाइम्स पीपल कैन चैलेंज दैट हाउ कैन लॉर्ड डू ऑल दैट, इज इट
मिथोलॉजी और इज रियली द ट्रू हैपनिंग इन द हिस्ट्री। इसीलिए यहाँ पर व्यासदेव बोल रहे हैं भगवता, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी। इसलिए यहाँ भगवता शब्द का प्रयोग हुआ है कि ये वास्तव में सामान्य नहीं है, ये भगवता दिव्य भगवान के अवतार हैं जो कई बार हमको विस्मय में डाल देते हैं। दीज आर एक्चुअली द ट्रांसेंडेंटल अपीयरेंसेस ऑफ द लॉर्ड हु मे समटाइम्स बिविल्डर अस, बट व्हाट इज द रीजन फॉर लॉर्ड्स इनकार्नेशन। भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? क्या दुष्टों का विनाश करना भगवान के कारण है? इज एनिहिलेटिंग द मिस्क्रिएंट्स इज द रीजन फॉर लॉर्ड्स अपीयरेंस? हम बोल सकते हैं उस तरह कि भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके लिए तो एक कोरोना वायरस ही काफी है। वी कैन टेल दैट लॉर्ड कम्स टू एनिहिलेट द मिस्क्रिएंट्स, बट फॉर दैट इवन कोरोना वायरस इज सफिशियंट। लॉर्ड कम्स फॉर डिलीवरिंग पीपल। भगवान का अवतार होता है जीवों का उद्धार करने के लिए। जीवेर आकरण, हमारे आचार्य बताते हैं जीवेर आकरण, भगवान का अवतार होता है जीवों के उद्धार के लिए। भगवान की कृपा देखिए, भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। सी द मर्सी ऑफ द लॉर्ड दैट ही कम्स इन डिफरेंट स्पीशीज। व्हाई ही कम्स इन डिफरेंट स्पीशीज, कांट ही कम इन द सेम फॉर्म? क्यों भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं? क्या वो एक ही अवतार में नहीं आ सकते? क्या उनकी श्रेष्ठता कम हो जाएगी? विल लॉर्ड बी लिटिल लेसर देन हिम इफ ही कम्स इन सेम रूप इन सेम फॉर्म? ही कम्स इन डिफरेंट रूप डिफरेंट फॉर्म्स सो दैट डिफरेंट स्पीशीज कैन रिलेट विथ हिम। वो अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूपों में इसलिए आते हैं कि अनेक अनेक प्रजातियां अनेक अनेक जीवात्माएं उनसे अपना संबंध स्थापित कर पाए। बिकॉज लॉर्ड इज कॉल्ड जगन्नाथ, ही इज कॉल्ड जगदीश्वर, ही इज नॉट जस्ट नरेश्वर, ही इज जगदीश्वर। भगवान केवल नरेश्वर नहीं है, नरों के ईश्वर नहीं है केवल, वो जगदीश्वर है। जगदीश्वर का अर्थ होता है पूरे जगत के ईश्वर। सारे संसार सर्व योनिषु, सारी योनियां सारे जीवात्मा भगवान की संतान है। इसलिए भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। मान लीजिए हमारे पिताजी के सींग होते तो हम उनको पिताजी बोलने में डरते हैं। इफ आवर फादर हैज हॉर्न्स इन इट्स ऑन हिज हेड वी विल बी फियरफुल टू गो नियर हिम। बट लॉर्ड कम्स इन डिफरेंट स्पीशीज सो दैट ऑल स्पीशीज कैन रिलेट विथ हिम। फिश कैन रिलेट विथ हिम, रेप्टाइल्स कैन रिलेट विथ हिम, बर्ड्स कैन रिलेट विथ हिम, ह्यूमंस कैन रिलेट विथ हिम, डेमीगॉड्स कैन रिलेट विथ हिम, एवरीबॉडी कैन एक्सेप्ट गॉड एज हिज लॉर्ड एंड मास्टर। देवता उनके साथ अपने आप को संबंध स्थापित कर सकते हैं, मानव कर सकते हैं, पशु कर सकते हैं, मछलियां कर सकती हैं, पानी के प्राणी सांप बिच्छू पक्षी सभी लोग भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं। और भगवान गीता में बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। कृष्णा टेल्स इन भगवद गीता दैट हिज फॉर्म हिज जन्म हिज कर्म हिज अपियरेंस हिज एक्टिविटीज आर दिव्य, दे आर ट्रांसेंडेंटल। तो जब तक हम लोग सावधानी पूर्वक इन विषयों में भक्ति के साथ नहीं समझने का प्रयास करेंगे तब तक हमें भगवान के अवतारों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। टिल द टाइम वी नॉट केयरफुली ट्राई टू डीप गो डीप इन द मैटर ऑफ स्पिरिचुअल डिवोशन द मिस्ट्री ऑफ कृष्णास अपीयरेंस विल नेवर बी डिस्कवर्ड। इसलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है प्रयतः, केयरफुली, बहुत सावधानी से। देयरफॉर द वर्ड प्रयतः इज यूज्ड हियर दैट वी शुड केयरफुली मेडिटेट केयरफुली अंडरस्टैंड केयरफुली रिसाइट लॉर्ड्स पास टाइम। हमको बहुत सावधानी पूर्वक मनन चिंतन करना चाहिए भगवान की लीलाओं से। सी पीपल सेलिब्रेट रामनवमी वन डे, जन्माष्टमी वन डे, बट अवर मोटो इज नित्यम भागवत सेवा। लोग बाग एक दिन जन्माष्टमी बनाते हैं, एक दिन रामनवमी बनाते हैं, और हमारे आचार्यों ने हमको क्या सिखाया है? नित्यम भागवत सेवा है, नित्य रूप से भगवान के विषयों में सुनना पढ़ना, उनको उनका गुणगान करना। इसलिए यहाँ पर आगे बताया है
सायं प्रातर गृणान, सुबह और शाम हमेशा दोनों समय, सुबह मॉर्निंग एंड इवनिंग वी शुड रिसाइट कृष्णास पास टाइम्स. इज इट ए रिचुअल? इज इट बिकमिंग जस्ट ए हैबिट एंड नो कॉन्शियसनेस? नो. क्या ये केवल एक नित्य क्रिया बननी चाहिए कि हम लोग सुबह शाम गीता भागवत उठाते हैं, पढ़ते हैं और बाद में भूल जाते हैं? नहीं. कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भागवत क्या बोल रहे हैं? भक्त्या विथ डिवोशन, भक्ति के साथ. इफ वी फॉलो दिस प्रोटोकॉल देन व्हाट विल हैपन? दुख ग्रामाद विमुच्यते. व्हाट विल हैपन? क्या होगा अगर हम इस तरह भगवान का ध्यान करेंगे भक्ति के साथ, भगवान के अवतारों को समझने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? सभी दुख से हमारा निवारण हो जाएगा. शोक मोह भय सबसे हमारी मुक्ति हो जाएगी. शोक हम करते हैं पूर्व इतिहास के लिए, मोह हम रखते हैं अभी के प्रेजेंट काल में, और भय हमें होता है भविष्य काल का. वी लेमेंट फॉर द पास्ट, बिकम अटैच टू द प्रेजेंट, एंड वी आर फियरफुल फॉर द फ्यूचर. कृष्णस पास्ट टाइम्स रिलीव अस, विमुच्यते फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ देम. कृष्ण कथा हमको इन तीनों शोक मोह भय से मुक्त कर देती है. इसलिए हमको भक्ति के साथ भगवान की गुणगान करना चाहिए. जितना ज्यादा हम भगवान के अवतारों का गुणगान करेंगे, उतना ज्यादा हम दुख शोक भय से दूर निकल जाएंगे. द मोर वी चैंट विद डिवोशन द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड्स अपियरेंस विच इज मिस्ट्रियस, वी विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सॉरोस. लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दोज हु डू नॉट फॉलो प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कृष्णास बर्थ एंड पास्ट टाइम्स. जो लोग भक्ति के नियमों का अनुसरण नहीं करते हैं, वो लोग भगवान की लीलाओं को जानने के लिए, समझने के लिए अधिकार नहीं रखते हैं. देखिए, कई भागवत सप्ताह होती हैं, बड़े हजारों में लोग आते हैं, और जो भागवत सप्ताह करने वाला होता है वो भी रोता है, पूरे जो लोग बैठे होते हैं वो भी रोते हैं, लेकिन जब कथा खत्म हो जाती है बाहर निकल के बीड़ी फूकते हैं. वो बीड़ी पीने में उनका उत्साह जितना है उतना भगवान कथा में उत्साह नहीं. देर आर सो मेनी प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स, वेन दे स्पीक थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम, दे क्राई वाइल स्पीकिंग, पीपल क्राई वाइल लिसनिंग, बट आफ्टर द डिस्कोर्स पीपल गो आउट एंड स्मोक. सो देयर इंटरेस्ट इन स्मोकिंग इन देयर बैड हैबिट्स इज मोर देन कृष्ण कथा इन अंडरस्टैंडिंग कृष्ण. इसीलिए प्रभुपाद यहाँ बल दे रहे हैं, भक्ति के नियमों का अनुसरण किए बिना कृष्ण के जन्म की, उनकी अवतारों के बारे में समझना बहुत मुश्किल है. इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कृष्णस बर्थ एंड एक्टिविटीज विदाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस. नेक्स्ट श्लोक, वर्स 30. एतद् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मना माया गुणैर् विराचितं महादादिभिर् आत्मनि. द कंसेप्शन ऑफ विराट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एज अपियरिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज इमेजिनरी. इट इज टू इनेबल द लेस इंटेलिजेंट एंड न्यूफाइट्स टू एडजस्ट टू द आइडिया ऑफ लॉर्ड्स हैविंग फॉर्म, बट फैक्चुअली द लॉर्ड हैज नो मटेरियल फॉर्म. इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भगवान का विराट रूप है, विश्व रूप है, जो भौतिक जगत को संबोधित करता है, वो काल्पनिक रूप है. जो कम बुद्धि वाले अल्पमेधी व्यक्ति हैं और जो भक्ति में नव दीक्षित हैं, उन लोगों को कुछ भगवान का कुछ दिग्दर्शिता दिखाने के लिए ये रूप के ऊपर चिंतन मनन किया जाता है. लेकिन भगवान का वास्तव में कोई भी भौतिक रूप नहीं है. ये विराट रूप क्या होता है? विराट रूप मतलब होता है जैसे भगवान को इस प्रकृति के साथ हम लोग जोड़ते हैं. व्हाट इज विराट रूप? विराट रूप, विश्व रूप, यूनिवर्सल फॉर्म इज कनेक्टिंग लॉर्ड विद द नेचर, कनेक्टिंग लॉर्ड विद मटेरियल वर्ल्ड. लाइक व्हेन वी सी सन, व्हेन वी सी मून, वी अंडरस्टैंड दे आर द आईज ऑफ द लॉर्ड. जब हम सूर्य और चंद्र को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भगवान के नेत्र हैं. व्हेन वी सी माउंटेन्स वी थिंक दे आर द बोन्स ऑफ द लॉर्ड. जब हम पर्वतों को देखते हैं तो हम भगवान की हड्डियों को
उनसे कल्पना करते हैं। व्हेन वी सी रिवर्स वी अंडरस्टैंड दे आर द वेन्स ऑफ द लॉर्ड। जब हम नदियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भगवान की नसें हैं। व्हेन वी सी ट्रीज वी थिंक दैट इट इज हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। जब हम पेड़ों को देखते हैं तो हम सोचते हैं ये भगवान के शरीर पे रोम बाल हैं। सो दिस यूनिवर्सल फॉर्म कंपोज ऑफ मैटर इज मटेरियल। ये जो विश्व रूप है वो भौतिक है, ये भगवान का विशुद्ध सत्व रूप नहीं है। इसीलिए जो हमने पहले के 28 श्लोकों में इस अध्याय में भगवान के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन सुना, उसमें विश्व रूप की गिनती नहीं होती। देयरफॉर यूनिवर्सल फॉर्म इज नॉट काउंटेड अमंग द डिफरेंट इनकार्नेशंस वी स्टडीड इन द फर्स्ट 28 वर्सेस ऑफ दिस चैप्टर। वास्तव में भगवान अरूप हैं, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। इनफैक्ट द लॉर्ड इज अरूप, ही डजंट हैव एनी मटेरियल फॉर्म। और ये विराट रूप स्थूल रूप है, ये भौतिक वस्तुओं से बना हुआ रूप है। दिस विराट रूप इज मेड ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, सो देयरफॉर इट कैनॉट रिप्रेजेंट द लॉर्ड फैक्चुअली। इसलिए वास्तविकता में विराट रूप भगवान को नहीं ठीक तरह से संबोधित कर सकता। लेकिन फिर भी नए जो जो आध्यात्मिक पथ पर नए लोग हैं, जो नव दीक्षित लोग हैं, आध्यात्मिक रूप से जो कमजोर हैं, वो लोग भौतिक पदार्थों के ऊपर कुछ नहीं देख सकते। Those who are neophytes on the spiritual path, they can't see anything beyond matter. And therefore, to make them appreciate God's prowess, this Virat form is established. इसलिए उन लोगों को जब भगवान की शक्तियों को सराहना करने के लिए एक अवसर देने के लिए ये विराट रूप को संबोधन किया जाता है। इसको शास्त्रों में शाखा चंद्र न्याय बोलते हैं। इन स्क्रिप्चर इट इज टोल्ड एज शाखा चंद्र न्याय। शाखा मीन्स स्टेम ऑफ ए ट्री, चंद्र मीन्स मून। शाखा का मतलब होता है पेड़ की शाखा और चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा। तो जब कोई बालक हट करता है माता से कि मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चंद्रमा दिखाओ, माता उसको दिखाने का प्रयास करती है वो चंद्रमा है, लेकिन वो तो चंद्रमा देख नहीं पाता है। उसको क्या, कोई घर को देखता है, कोई पर्वत को देखता है, तो माता बोलती नहीं नहीं वो चंद्रमा वो देख नहीं पाता। तो माता बोलती है तुमको वो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ की टहनी दिख रही है, वो पेड़ की टहनी के पास में गोल गोल एक सफेद कृति दिख रही है, वही चंद्रमा है। तो पेड़ के सहारे से चंद्रमा दिखाती है माता, उसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। समटाइम्स ए बॉय रिक्वेस्ट द मदर और एडमेंटली टेल्स मदर दैट आई वांट टू सी द मून, बट व्हेन मदर शोज द मून द चाइल्ड इज डाइवर्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन सीइंग डिफरेंट हाउसेस माउंटेन और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इट ही कांट सी द मून डायरेक्टली। सो द मदर टेल्स कैन यू सी द ट्री नियर बाय, कैन यू सी द स्टेम ऑफ द ट्री, कैन यू सी द गोल्ड राउंड वाइट ऑब्जेक्ट ऑन द near the stem of the tree, that is moon. So by the help of the tree, mother shows the moon. That is called Shakha Chandra Nyaya. उसी तरह जो लोग आध्यात्मिक रूप से बलशाली नहीं है वो लोग किसी तरह तो भगवान की शक्तियों की सराहना करें, इसलिए वो विराट रूप की उपासना करते हैं। So those who are not very sound with spiritual authority, they appreciate God's prowess in the form of Virat Roop. Like when we were student, we used to study vectors. Now vector is something which is directional, which is with force, and we can't understand it with just talks. So the teacher draws vector on board. Okay, this is the vector which represents the force, and the arrow of vector represents the direction of the vector. That doesn't mean that vector has become like a line. It is just to teach the student what is vector. In the same way, scriptures may tell about Virat Roop just to make people appreciate God's authority. But as they grow, they have to understand that God doesn't have material platform. तो उसी तरीके से हम लोग क्रमबद्ध रूप में भगवान को शरण ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं। वास्तव में भौतिक विचार से भगवान का रूप को हम गणना नहीं कर सकते। We can't calculate
लॉर्ड्स अपीयरेंस बाय मटेरियल कैलकुलेशंस. वन टाइम वी वेंट टू पुणे विथ हिज होलीनेस भक्तिचारु स्वामी महाराज एंड वन माताजी आस्क्ड महाराज दैट महाराज आई appreciate black color deity of Krishna. I don't have that kind of attachment to white color deity of Krishna. तो एक बार हम पुणे गए थे श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के साथ और वहां पर एक माता गुरु महाराज को बोल रही थी कि मैं भगवान का जो काले कलर का सांवले रंग के जो विग्रह हैं उनको तो मैं बहुत पसंद करती हूँ लेकिन जो सफेद कलर के कृष्ण होते हैं कई मंदिरों में उनको मैं उतना सम्मान नहीं दे पाती. तो गुरु महाराज ने उनको बोला था कि भगवान कृष्ण ना काले हैं ना सफेद हैं, उनका रंग दिव्य है. सो महाराज टोल्ड हर दैट कृष्ण इज नॉट ब्लैक, कृष्ण इज नॉट व्हाइट, कृष्णस कलर इज ट्रांसेंडेंटल. हम भौतिक विचार से भगवान के रंग को भगवान के रूप को कभी भी तोल नहीं सकते. वी कैन नेवर कैलकुलेट कृष्ण और लॉर्ड बाय मटेरियल कंसिडरेशंस. लाइक इफ समबडी comes first in the race of horses, in the horse race, if somebody comes first, still he is a horse. अगर कोई घोड़ों की दौड़ में पहला आता है तो फिर भी घोड़ा ही रहेगा, वो मनुष्य नहीं बनेगा. तो उसी तरीके भौतिक विचार से यदि हम भगवान को गणना करेंगे तो हम भगवान को अपने स्तर पे ला रहे हैं, भौतिक स्तर पे ला रहे हैं, जो कि सही नहीं. इन द सेम वे इफ वी पुल डाउन कृष्णा टू अवर लेवल ऑफ मटेरियल कैलकुलेशंस, that is not possible. Therefore, example is given in the next verse. Agle shlok mein udharan se samjha rahe hain. Yatha na bhasi megha go renur va parthivo nile evam drashtari drishyatam aropitam abuddhibhi. Clouds and dust are carried by the air. But less intelligent persons say that sky is cloudy, the air is dirty. Similarly, they also implant material bodily conceptions on the spirit self. जब हम देखते हैं कि हवा बादलों को या धूल को लेकर के जा रही है तो कम बुद्धि वाले लोग, अल्प मेधी लोग ये बोल सकते हैं कि अरे आसमान गंदा हो गया, आसमान बादल से भर गया. लेकिन वास्तव में हवा, आसमान, बादल को या धूल को आश्रय दे रहे हैं. उसी तरह से हम लोग कभी कभी भौतिक विचार आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर लगा देते हैं, जो कि सही नहीं. विथ अवर मटेरियल आइज एंड सेंसेस वी कांट सी द लॉर्ड. हम अपने भौतिक विचार से भगवान को नहीं देख सकते. जस्ट एज पीपल से दैट स्काई इज क्लाउडी, एयर इज डर्टी, they think Virat रूप is Krishna. जैसे लोग बोलते हैं कि अरे हवा गंदी हो गई, अरे आसमान में बादल छा गए, उस तरह वो बोलते हैं भगवान विराट पुरुष. वास्तव में जो बादल हैं वो किसके आश्रय पे टिके हुए हैं? आकाश के आश्रय पे टिके हुए हैं. बादल से आसमान नहीं ढका है, बादल आसमान के आश्रय पे है. हवा गंदी नहीं हुई है, हवा धूल को उड़ा करके आश्रय दे रही है. उसी तरह से विराट पुरुष भगवान नहीं है. विराट रूप क्या है? भगवान के ऊपर स्थित है, भगवान के आश्रय पे स्थित है विराट रूप. भगवान उसको आश्रय प्रदान कर रहे हैं. जस्ट एज स्काई इज नॉट क्लाउडी, स्काई गिव्स शेल्टर टू द क्लाउड. एयर इज नॉट डर्टी, एयर इज गिविंग शेल्टर टू द डर्ट. इन द सेम वे कृष्णा इज नॉट विराट रूप, कृष्णा इज गिविंग place for Virat Roop to rest on. Krishna is the source of Virat Roop. जैसे कि एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं. मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सड़क पे चल रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो सड़क है. वो सड़क व्यक्ति को आश्रय प्रदान कर रहा है, वो सड़क पे व्यक्ति चल रहा है. उसी तरह विराट रूप भगवान के ऊपर आश्रित है. हम ये नहीं बोल सकते कि विराट रूप भगवान है. Just like when a person is walking on road, we can't call that it is road. In the same way, we can't tell that Virat is Bhagwan. No, this Vishwaroop is actually depending on Lord as his external manifestation. Prabhupada tatparyam udaharan dete hain. Jaise maan lijiye president, rashtrapati,
अपने वाहन में जा रहे हैं तो कोई दूर से वाहन देख के बोल सकता है अरे देखिए वो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति उसके अंदर है। उसी तरह से somebody can tell that moving car of president, somebody can, oh see president is going, but actually president is sitting inside. In the same way, we can't judge Lord by seeing the external manifestation. उसी तरह हम लोग बाहर के रूप से भगवान का आकलन नहीं कर सकते। आप देखिए अधिकांश जो कलाकृति बनाने वाले आर्टिस्ट होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, नेचर के ऊपर बहुत बल देते हैं, प्रकृति के ऊपर बहुत बल देते हैं, क्योंकि उनका भगवान के प्रति जो एप्रिसिएशन है वो उतना ही सीमित है प्रकृति तक। मैक्सिमम आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड फोकस ऑन नेचर बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू एप्रिशिएट गॉड, बट इट इज नॉट स्पिरिचुअल, उनका विचार आध्यात्मिक नहीं है। अगले श्लोक में बता रहे हैं कैसे हमारे विचार को हम भौतिक गुणों से ऊपर उठाना चाहिए। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण बृंहितम आदृष्टा श्रुत वस्तु त्वत् सजीवो यत् पुनर्भवा। बियॉन्ड दिस ग्रॉस कंसेप्शन ऑफ फॉर्म इज अनादर सटल कंसेप्शन ऑफ फॉर्म विच इज विदाउट फॉर्मल शेप एंड इज अनसीन अनहर्ड अनमैनिफेस्ट। द लिविंग बीइंग हैज हिज फॉर्म बियॉन्ड दिस सटलिटी अदरवाइज ही कैनॉट हैव रिपीटेड बर्थ। अभी बता रहे हैं कि इस विराट रूप से भी ऊपर एक रूप है जो लोग मन की कल्पना से भगवान को चिंतन करते हैं, वो रूप ना तो किसी ने देखा है ना सुना है ना उसका अस्तित्व है, लेकिन काल्पनिक रूप से भगवान को वो लोग विचार करते हैं कि भगवान ऐसे हैं भगवान वैसे हैं। वास्तव में तो आत्मा भी ये सूक्ष्म रूप से ऊपर है, नहीं तो कैसे उसके अलग अलग जन्म होते। जब आत्मा भी इस विचार से ऊपर है तो परमात्मा तो कैसे इस चीज में फंस सकते हैं। इवन सोल इज अबव द सटलिटी, हाउ कैन लॉर्ड बी एंटेंगल्ड इन द सटलिटी। द कंक्लूजन इज दैट लॉर्ड इज एक्सटर्नली एग्जिस्टेंट, भगवान नित्य रूप से शाश्वत अपने धाम में अवस्थान करते हैं और वो कोई भी भौतिक जड़ या सूक्ष्म रूप से हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होते। कभी भी हम लोग जड़ या सूक्ष्म रूप से भगवान की कल्पना करना आध्यात्मिक मार्ग में उसकी सराहना नहीं कर सकते। वी कैन नेवर अप्रिशिएट इन स्पिरिचुअल रियल ग्रॉस एंड सटल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। उनका जो शरीर है वो दिव्य है, वो काल्पनिक नहीं है। द लॉर्ड्स बॉडी इज स्पिरिचुअल, इज नॉट इमेजिनरी। इसलिए जो तथाकथित जोगी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले तो विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं और जब उन्हें लगता है कि अरे विराट रूप से काम नहीं चल रहा, तब वो लोग अपने मन में एक काल्पनिक रूप भगवान का बनाते हैं। कोई बोलता है भगवान प्रकाश है, कोई बोलता है भगवान प्रेम है, कोई बोलता है भगवान तो जीवों की सेवा करना है, इसलिए दरिद्र नारायण जैसे शब्द निकल जाते हैं। भगवान कहाँ है, दरिद्रों में। इस तरह काल्पनिक रूप बना करके ऐसे तथाकथित योगी भगवान को उपासना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो खुद भी डूबते हैं और उनको पालन करने वाले लोगों को भी डुबा देते हैं। सो मैनी सो कॉल्ड योगीज दे ट्राई टू एज्यूम लॉर्ड इन द विराट पुरुष। व्हेन दे कांट अंडरस्टैंड मच दे थिंक इट इज मटेरियल, दे मेक द ओन इमेजिनेशन ऑफ लॉर्ड सटल अपीयरेंस एंड देन दे थिंक ओ गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, और गॉड इज सर्विंग द पुअर, and therefore the terms like Daritra Narayan come into existence. These people themselves go doom and whoever follow them, they also go to hell. That way they finish their spiritual life. वो अपने आध्यात्मिक जीवन का पतन कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो रूप के बारे में वर्णना हो रही है, सूक्ष्म रूप भगवान के विराट रूप की, ये भी भौतिक है। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि दिस फॉर्म इज ऑल्सो मटेरियल, वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू इवन दिस सटल फॉर्म ऑफ विराट पुरुष। सो व्हाट वी शुड डू, तो हमें क्या करना चाहिए, 33वां श्लोक 33rd verse, यत्रे मे सद असद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद् ब्रह्म दर्शनम। ब्रह्म दर्शनम
व्हेन विल वी हैव ब्रह्म दर्शनम, कब ब्रह्म दर्शन होगा? व्हेन एवर ए पर्सन एक्सपीरियंसेस बाय सेल्फ रियलाइजेशन दैट बोथ ग्रॉस एंड सटल बॉडीज हैव नथिंग टू डू विद द प्योर सेल्फ, एट दैट टाइम ही सीज हिमसेल्फ एज वेल एज द लॉर्ड। जब व्यक्ति इसका अनुभव करता है आत्म साक्षात्कार के साथ कि जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, ये सभी शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा से इनका कुछ लेना देना नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार में वो खुद को देख पाता है और भगवान को देख पाता है। तो वो आत्म साक्षात्कार के लिए हमको प्रयत्नशील होना चाहिए। वी शुड ट्राई टू गेट दैट सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए परमात्मा, भगवान की परमात्मा कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होती। केवल इतना जानने से, केवल इतना जानने से ब्रह्म साक्षात्कार होता है। जस्ट टू नो दैट लॉर्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय मटेरियल एलिमेंट्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इज ब्रह्मन रियलाइजेशन। सो इट इज सो इजी टू हैव ब्रह्मन रियलाइजेशन। आप ऐसे खाएं चाहे ऐसे खाएं, खाना है, बट ऐसे खाने में ज्यादा आनंद आता है लोगों को। Either you can eat like this or you can eat like this. So people like to eat like that. They go by jnana, they go by karma, they go by different processes. But bhakti is so simple. Just by understand that Lord is transcendental, we are getting Brahma realization. Bhakti itni saral hai. Keval itna janna ki janma karma mein divyam, Bhagawan ke janma karma divya hai, itna janne se hi keval Brahma sakshatkar hota hai. Jaise maan lijiye, aap neele color ka chashma pehnenge, तो आपको पूरी प्रकृति नीली दिखेगी। जो कोई सामने आएगा नीला दिखेगा। आप पीले कलर का चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ पीला दिखेगा। वास्तव में ना नीला है ना पीला है, ये चश्मा रंगीला है, ये चश्मे का रंग है जो आपको दिख रहा है। तो इसीलिए हमको अपने ऊपर से वो गुणों का प्रभाव को उतारना है, तब हम भगवान की साक्षात्कार कर सकते हैं। लाइक व्हेन यू वियर गॉगल्स विच आर ब्लू इन शेड, you will see everything in blue color. If you wear specs which are yellow in color, then you will see everything in yellow color. But it's not yellow or blue. It's actually our defect in vision. So we have to just remove that goggles. We have to remove just that specs. And then we can see the Lord clearly. इसीलिए कोई कृत्रिम रूप से भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। Lord is not realized by any artificial means. We can only understand God by approaching to Him. केवल हम विनित भाव से जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमें मिलते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम् अपोहनम् च वेदेश्च सर्वे रहमेव विद्यो वेदांत कृत एव विद एव च। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मुझसे स्मृति आती है, मुझसे ज्ञान आता है, मुझसे विस्मृति आती है। तो ऐसे भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके स्वरूप का ज्ञान हमको दीजिए, तब हम भगवान को देख पाते हैं। कृष्णा टेल्स इन भगवत गीता दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम हिम, रिमेम्बरेंस कम्स फ्रॉम हिम, फॉरगेटफुलनेस कम्स फ्रॉम हिम, ही सिटिंग इन अवर हार्ट। सो व्हेन वी प्रे, व्हेन वी रिक्वेस्ट लॉर्ड टू गिव हिज स्वरूप ज्ञान, टू रिवील हिज फॉर्म, देन लॉर्ड रिवील्स दैट फॉर्म। Therefore, knowledge is not important. Knowledge is not enough. Knowledge is fruitful when we take shelter of Lord. इसलिए ज्ञान केवल पूर्ण नहीं है। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब हम सेवा करते हैं। ये सेवा शरणागति का आंतरिक अंग है। This service is the internal element of surrender. Therefore, we should try to serve Lord, serve His devotees, if we want to understand His form and activities. इसलिए हमको भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा पूर्ण रूप से करना चाहिए, अगर हम भगवान के रूप और गुणों को देखना चाहते हैं। One time, Jagannath Das Babaji Maharaj initiated two Bengali Vaishnavas, and after initiation, he told them, "You grow eggplant." They did for long time. And they got confused. Our Guruma is not telling us to chant. He is just telling, just grow eggplant. What kind of bhakti is this? एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दो बंगाली वैष्णवों को दीक्षा दी और उन्होंने उनको बोला, आप खेत में जाकर बैगन उगाइए। तो बैंगन उगाना क्या भक्ति है? ये लोग विस्मृत हो गए। अरे भाई, बैगन उगाने के लिए थोड़ी दीक्षा ली थी। तो ये लोग कन्फ्यूजन में भक्ति विनोद ठाकुर के पास जाते हैं।
These two devotees goes to Bhaktivinoda Thakur and they ask, why Jagannath Das Babaji Maharaj is just telling us to grow eggplant? Bhaktivinoda Thakur explains, what is bhajan? Bhajan comes from the root word bhaja, and bhaj means to serve. To serve the spiritual master, to serve Krishna, everything will reveal in your heart. Divya Gyan, Hriday Prakashita. Bhaktivinoda Thakur bolte hain, bhajan ka arth kya hota hai? भजन शब्द आता है मूल रूप भज धातु से। भज का अर्थ होता है सेवा। यदि आप अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसलिए यहाँ श्लोक में बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार का महत्व है। हम लोग कोई भी कृत्रिम रूप से भगवान को नहीं फोर्स कर सकते अपने आप को दिखाने के लिए। भगवान कौन है? अधोक्षज, वो लोग हमारी इंद्रियों से ऊपर है। Krishna can't be forced by our artificial means of knowing him. He can only be understood by humble service and self-realization because he is adokshaja. He owns all right to remain unknown to anybody. Aaj ke liye antim shlok. Yadi esho parata devi maya vesharadi mati sampanna eveti vidur Mahimni swe mahiyate sampanna. How one can become fully sampanna, enriched? Kaise koi vyakti apne jivan mein sampanna ban sakta hai? Ye shlok mein bata rahe hain. If the illusory energy subsides and living entity becomes fully enriched with knowledge by the grace of the Lord, then he becomes at once enlightened with self-realization. And thus becomes situated in his own glory. अगर कोई माया को छोड़ने का निश्चय करता है और भगवान की सेवा में संलग्न होकर ज्ञान के माध्यम से संपन्न होता है, तो आत्म साक्षात्कार के बल पे वो संपन्न, वो महीयते पूज्य बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को भगवान की कृपा की आवश्यकता लगती है। देखिए, विशारदि मतलब होता है भगवान बहुत ही ज्यादा गुणों के खान है। विशारदी मीन्स लॉर्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ही हैज सो मेनी स्किल्स। किस तरह का स्किल, व्हाट काइंड ऑफ स्किल, किस तरह का गुण भगवान के अंदर है? द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर माय डिवोटी। भगवान के अंदर ये गुण है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। वो जानते हैं मेरे भक्त के लिए किस चीज का प्रयोजन है। हम भक्त में, भक्ति में आने के बाद बहुत कुछ मांग सकते हैं, भगवान से भौतिक गुण मांग सकते हैं, भौतिक इच्छाएं मांग सकते हैं, लेकिन ये हमारी मूर्खता होती है। भगवान तो मूर्ख नहीं है, भगवान तो विज्ञ है, भगवान तो इंटेलिजेंट है, भगवान विद्वान है। वो जानते हैं मेरे भक्त के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। When we come in devotional life, out of our foolishness, we can ask so many foolish material things from the Lord. But that is we foolish. Lord is not foolish. He is intelligent. He is vigya. So he doesn't give that kind of things which become obstacle in our devotional service. वो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देते जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन जाए। इसलिए चैतन्य चैतन्य ने बताया है, आमी विज्ञ ए मूर्खे विषय के बाद वो सौ चरणामृत दिया विषय भुलाई गई। इन चैतन्य चैतन्य में it is told, कि आई एम इंटेलिजेंट, हाउ कैन आई गिव मटेरियल मटेरियल पॉइजन टू दिस फूलिश डिवोटी, रेदर आई विल गिव द नेक्टर ऑफ माय लोटस फीट सो दैट ही विल फॉरगेट ऑल मटेरियल डिजायर्स। मैं मेरे भक्त को अपने चरणामृत का पान कराऊंगा जिससे वो सब कुछ भूल जाएगा। और इस समय जब भगवान निश्चय कर लेते हैं कि अभी इस जीवात्मा को मेरा दर्शन हो, तब भगवान अपना दर्शन उनको देते हैं। व्हेन लॉर्ड डिसाइड्स Let this jiva see me. That time, person able to see Krishna. Otherwise, there is no other way. Only if Lord desires, only if Lord mercifully desires, then only we can see. केवल और केवल जब भगवान ये निश्चय करते हैं कि हम उनका दर्शन कर पाएं, तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हम लोग को भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि वो विशारदि हैं, वो जानते हैं हमारा अच्छा क्या है, वो हमें अपनी माया से बाहर निकाल करके अपने दर्शन हमको दें।
विशारदी मति मतलब होता है मति, मतलब हमारी मति, मति मीन्स अवर कॉन्शियसनेस। व्हेन वी थिंक अबाउट कृष्णा दैट टाइम टू थिंग्स हैपन। जब हम भगवान के विषय में सोचते हैं दो चीजें होती हैं। पहली चीज, माया अपना शिकंजा ढीला कर देती है, माया विड्रॉज हर इन्फ्लुएंस। और दूसरी चीज होती है भगवान अपना दर्शन देते हैं। सेकेंड थिंग हैपन्स, कृष्णा गिव्स हिज दर्शन, हिज अपियरेंस, ही अपियर्स इन फ्रंट ऑफ द डिवोटी। सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट गॉड, टू प्रे अबाउट गॉड। एंड व्हेन वी थिंक अबाउट कृष्णा, व्हेन वी प्रे इन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, देन वी आर फुल्ली वेल फर्निश्ड। तब हम पूर्ण रूप से संपन्न हो जाते हैं। जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं तो वही है संपन्नता। जीवन में संपन्नता तभी आएगी जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होंगे, नहीं तो हम हमेशा दरिद्र रहेंगे। वी विल ऑलवेज बी पुअर स्पिरिचुअली इफ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, व्हेन देन वी बिकम वेल फर्निश्ड। भगवान का एक नाम है समंजस। वृत्रासुर प्रार्थना में बोलता है समंजस्त्वा। समंजस भगवान का एक नाम है। समंजस मतलब क्या होता है? जिनके पास हर चीज का सॉल्यूशन, जिनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, जिनके पास हर समस्या का समाधान है, वो है समंजस। कृष्णाज वन नेम इज समंजस। ही इज प्रेड, कृष्णा हैज बीन एड्रेस्ड एज समंजस बाय वृत्रासुर इन हिज प्रेयर्स। एंड समंजस मीन्स ही इज सोर्स ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। ठीक विपरीत समंजस का क्या होता है? असमंजस। असमंजस जहां हम समझ नहीं पाते क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या हम असमंजस में रहना चाहते हैं या समंजस में रहना चाहते हैं? हमारा डिसीजन है। डू वी रियली वॉन्ट टू रिमेन इन असमंजस और कंफ्यूजन, और वी वॉन्ट टू बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड? दैट इज अवर डिसीजन। सो वेन वी एक्सेप्ट कृष्णा वी आर रिचेस्ट, एंड वेन वी रिजेक्ट कृष्णा वी आर पुअर। जब हम कृष्ण को अपना लेते हैं तो हम सबसे धनी व्यक्ति संपन्न बन जाते हैं श्लोक में जैसे बताया है, और जब हम कृष्ण को ठुकरा देते हैं तो हम दरिद्र बन जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने बोला है भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। ये भक्ति योग ही वास्तविक धन है। भक्ति मतलब क्या है? कृष्ण का नाम संकीर्तन, कृष्ण के लीला स्मरण और कृष्ण के पास प्रार्थना क्रंदन, यही भगवान की भक्ति है। व्हाट आचार्य से टोल्ड, भक्ति योगा इज रियल ट्रेजर। भक्ति मीन्स कृष्ण टेकिंग चैंटिंग कृष्णाज नेम, रिमेम्बरिंग हिज पास्ट टाइम्स एंड क्राइंग इन प्रेयर प्रेयरफुल मूड इन फ्रंट ऑफ कृष्ण। व्हेन वी कम टू दैट लेवल देन वी हैव द वंडरफुल दर्शन ऑफ कृष्णाज लोटस फीट। जब हम लोग इस तरह आचरण करते हैं तब हम भगवान के चरणों का आश्रय ले पाते हैं और माया हमको छोड़ देती है। एई रूपे संसार भ्रमित कौन जन, साधु संगे निज तत्व अवगत हन। निज तत्व जानी और संसार न चाय, किन वा भजियो माया करे हाय हाय। किन्दे बोले ओहो कृष्णा अमित अवदास, तुम्हार चरण छाड़ी होइल सर्वनाश। क्राइंग एंड क्राइंग दैट पर्सन सेज कृष्णा आई एम योर इटर्नल सर्वेंट एंड लीविंग यू आई हैव रूइंड माई लाइफ। हे भगवान कृष्ण मैं आपका नित्य दास हूँ, आपके चरण की शरण छोड़कर मैंने अपने आप का होइलो सर्वनाश सर्वनाश कर दिया, लेकिन अब कृपा करी कृष्ण तारे छड़ान संसार। कौतुकी करी है कृष्ण यदि डाके एक बार। वन टाइम इफ पर्सन कॉल्स आउट कृष्ण लाइक दिस, वन टाइम इफ पर्सन सरेंडर्स टू कृष्ण, देन व्हाट कृष्ण डज, कृपा करी कृष्ण तारे छड़ान संसार। कृष्ण रिलीव्स दैट पर्सन फ्रॉम मटेरियल क्लचेस। एक बार यदि कोई कृष्ण को इस तरह पुकारता है कि हे भगवान कृपा करके मुझे अपने भौतिक स्तर से ऊपर उठाइए, मैं कोई विराट रूप नहीं देखना चाहता हूँ, मैं कोई सूक्ष्म रूप नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं? छाड़ा न संसार, वो इस संसार के बंधन से उस व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं। कृष्णा रिलीव्स दैट पर्सन फ्रॉम मटेरियल क्लचेस एंड गिव्स इटर्नल शेल्टर इन हिज लोटस फीट। भगवान श्री कृष्ण उनको अपने चरणों में नित्य शाश्वत शरण प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भागवतम की जय। दिस वॉज अ बिट
कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, समटाइम्स डिवोटीज फील लेस एंथुसियास्टिक टू हियर फिलोसफी एंड मोर लाइकली टू हियर पास टाइम्स, बट स्टिल इट इज श्रीमद भागवतम, इट इज अमल पुराण. द मोर वी हियर द मोर वी गेट क्लेंसिंग ऑफ अवर हार्ट. कभी कभी ये विषय जटिल बन जाते हैं, सुनने में उतने मधुर नहीं लगते हैं जितना भगवान की लीला सुनने में मधुर लगती है, लेकिन फिर भी ये अमल पुराण श्रीमद भागवत ने दिया है, इसको हम जितना अच्छे से सुनेंगे उतना कृष्ण के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती चली जाएगी. हरे कृष्ण. श्रीमद भागवतम की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू सो मच प्रभु. हरे कृष्ण. सो यू डिस्क्राइब प्रभु दिस वंडरफुल एसेंस ऑफ ऑल दिस वर्सेस प्रभु जी, एंड वी लर्न द शाखा चंद्र ज्ञान about this Virat Rupa. Very nice to explain, Prabhuji. Prabhu, can we take some question, Prabhu, if you have time with you, Prabhuji? Yes. तो भक्तों से अनुरोध है, अगर किसी कोई जिज्ञासा है तो हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है प्रभु जी से उसका समाधान. अभी हमने शब्द सुना सामंजस्य, कि हर किसी का समाधान भगवान के भक्तों से हमें मिल जाता है. अगर जिज्ञासा है तो हम पूछ सकते हैं. प्रभु जी, मेरे पास एक जिज्ञासा है प्रभु जी, कि आपने बहुत सुंदर रूप से बताया विराट रूप के बारे में, और हमने ये भी सुना भगवान के जो अवतार बताए गए इस अध्याय में उसमें विराट रूप को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर वो भौतिक सृष्टि से जुड़ा हुआ है उनका जो रूप है भगवान का. एंड वी सी दैट इन भगवद गीता ऑल्सो प्रभु, दैट वेन कृष्णा शो दैट विराट रूप टू यूनिवर्सल फॉर्म टू अर्जुना. And Srimad Bhagavatam also we see in the second canto also in great detail it has been described all the limbs of the Lordship, where the yogis, the neophyte yogis, they, the dharana, ashraya, they start meditating on this form. And we see in the 10th canto of Srimad Bhagavatam when Mrid Bhakshan Leela, Yashoda Maiya, that time also it was showed to Yashoda Mai. So how to understand this, Prabhu, that this form is specifically for the yogis, the neophyte yogis, then sometime it is also shown to the pure devotees like Arjuna and Yashoda Maiya. So how to understand this? Thank you, Prabhuji. Our acharyas tell, upaya chintayet, anupaya chintayet. Both are important. Hamare acharya batate hain, upaya aur anupaya, dono janna jaruri. Kya karna hai, kya nahi karna hai, dono janna jaruri. Like when we go to a doctor, he will tell what is the medicine and what is the diet plan, what is the restriction. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दोनों बताते हैं डॉक्टर, क्या दवाई लेना है और क्या नहीं खाना है, दोनों जरूरी. जैसे बंगाली में कहावत है, दूधो खाओ तम्बाकू खाओ, उस तरह चलेगा नहीं. दूध भी खाऊंगा तम्बाकू भी खाओ, दोनों खाने चलेगा नहीं. क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों जरूरी है. उसी तरह हमारे शास्त्र दोनों के बारे में बताते हैं, भगवान का नित्य शाश्वत चिन्मय स्वरूप क्या है और भगवान की जो भौतिक रूप से लोग भगवान को देखते हैं वो क्या है. जो मैया यशोदा को भगवान ने विराट रूप दिखाया वो विराट रूप तक सीमित नहीं था. द लॉर्ड्स यूनिवर्सल फॉर्म विच वॉज शोन टू मदर यशोदा वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू विराट रूप. ही सॉ विराट रूप, शी सॉ विराट रूप, शी सॉ ब्रह्म ज्योति, शी सॉ वैकुंठ, शी सॉ गोलोक वृंदावन, she saw Krishna himself and herself also. Krishna and herself both standing there. So she saw from the basic universal form till Krishna's Sachidananda Vigraha. Unhone jab Virat Roop mein dekha, to kel Virat Roop nahi, Virat Roop, Brahma Jyoti, Vaikuntha, Vrindavan aur Nanda Bhavan mein Yashoda Krishna dono ko bhi dekh liya. To unhone Virat Roop se lekar ke Bhagwan ke Sachidananda Roop tak complete course dekha. इसलिए भगवान के भक्त विराट रूप पे स्थित नहीं रहते. वो जब प्रकृति को देखते हैं तो भी भगवान का चिंतन होता है. ऐसा नहीं है भक्त लोग विराट रूप को नकारते हैं. स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट दिवे स्फूर्ति. वो लोग भी जब स्थावर देखते हैं, जंगम देखते हैं, दे ऑल्सो फील दैट नॉन मूविंग मूविंग एवरीथिंग इज कृष्णास एनर्जी. बट देन देयर रियलाइजेशन गो बियॉन्ड दैट. उनका रियलाइजेशन उससे साक्षात्कार उससे भी ऊपर चला जाता है. जैसे माता यशोदा ने विराट रूप के आगे बढ़ करके कृष्ण को भी देखा, जैसे अर्जुन ने विराट रूप के आगे श्याम सुंदर कृष्ण को देखा, उस तरह. तो शास्त्रों में विराट रूप बताया है लेकिन उसके आगे भगवान का सच्चिदानंद रूप को दर्शाया गया है. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू सो मच प्रभु.
Mataji has raised the hand. Yes, Mataji, you can unmute yourself, Mataji, please. Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Dandavat pranams, and Dandavat pranams to all the devotees assembled here. Prabhuji, my question is, you were discussing that Bhagavan comes not only in human form, he is Jagannath. So he is the Lord of all the living entities. So, but when he takes incarnation in, like, as a fish, you were mentioning that it benefits all those species. But my question is that they don't have the right consciousness, no, Prabhuji. Then how will they understand that this is Bhagavan? And how do I understand that? Could you please enlighten Krishna? Me? Krishna is Sarvakarshak. He is sitting in their hearts. So when we may speak, species may not speak. But when Krishna speaks, they can understand. Like when in Vrindavan, Krishna plays flute, all species understand Krishna's flute. And they all come and they circumambulate Krishna, they dance in front of Krishna. In the same way, when Krishna comes in different species, we can't understand how they reciprocate with Krishna. But Krishna knows their language because Krishna is sitting in their heart. So he can reciprocate with them. Does that answer your question, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Hello, friends. हरे कृष्णा और किसी भक्तों की कुछ जिज्ञासा आशीष जैन प्रभु जी तो प्रभु जी इतने सुंदर रूप से बताया है कि सब कुछ समझ में आ गया है धन्यवाद प्रणाम यस प्रभु जी प्लीज धन्यवाद प्रणाम प्रभु So Haripol. Nice to see Krishna Kishore Prabhu, Hari Bol Prabhu. So nice to see him and hear him such nicely in such nice words. I'm still in the process of learning Bhagavad Gita. So this is little bit more advanced for my knowledge, but I'm still trying. So nice to see Krishna Kishore Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. So nice to hear your sweet voice. Same here, Prabhu, same here. I wish we could meet, but I hope Corona gets well soon. So we all can have all physical congregations. Kanaiya Desh Yatra. Please come to Ujjain, all Kanaiya Desh Yatra. We are waiting for all of you. Once situation becomes all right, Prabhu will invite you, Prabhuji. We'll request you to come here again, Prabhuji. And to enlighten all of us, Prabhu, here in Kanaiya Desh, definitely, Prabhuji. So, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुजी हम सब मिलकर प्रभुजी का आभार प्रकट करेंगे all together we'll express our gratitude for giving his valuable time and guiding all of us, enlightening all of us on this such a wonderful verse of Srimad Bhagavatam. हम सब मिलकर प्रभुजी का आभार प्रकट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिओम हरे कृष्ण